बच्चों कैसे हो सब ठीक है ना ऑलरेडी हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर लिया है वो कौन सा है तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आज उसमें हम कौन सा पॉइंट स्टडी करने वाले हैं देखो आज का हमारा पॉइंट है लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसके पहले हमने ऑलरेडी एक पॉइंट स्टडी किया है वो कौन सा है तो लेविस सिंबल ये जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है वो भी इससे रिलेटेड ही है क्योंकि लेविस सिंबल हमने पर्टिकुलरली कैसे ड्रॉ किया था एक एटम के लिए हमने लेविस सिंबल ड्रॉ किया था जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है सेवन ठीक है अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखते तो वन एस टू टू एस टू टू पी फोर आ जाए टू पी थ्री आ जाएगा ठीक है मतलब फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन तो इसका लेविस सिंबल हमने कैसे ड्रॉ किया था नाइट्रोजन के साइड में हमने पांच डॉट ड्रॉ किए थे ये क्या हुआ तो लेविस सिंबल ऑफ द नाइट्रोजन अब ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है ठीक है अगर हम कंसीडर करते हैं ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो इसमें फर्स्टली आपको पता होना चाहिए अगर कंसीडर करते लेविस डॉट स्ट्रक्चर इट गिव्स आइडिया व्हाट अबाउट दिस वन इट गिव्स आइडिया अबाउट इन it gives idea about the bonding in molecules and ions by shared pair of electrons shared pair of electron as well as it gives idea about the octet rule octet rule ठीक है मतलब अगर ये कंसिडर करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो ये एक्चुअली किस बात की आइडिया देता है हमें तो ये आइडिया देता है जो कुछ भी मॉलिक्यूल हो या आयन हो उसमें जो बॉन्डिंग फॉर्म हुआ है बाय द शेयरिंग ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट दैट वन एज वेल एज अबाउट ऑक्टेट रूल ठीक है अगर हम कंसिडर करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर उसके लिए अगर हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल हो या आयन हो उसका ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए फ्यू स्टेप्स तो स्टेप्स कौन से देखो यहां पे मैं एक बाय बाय आई विल राइट हियर स्टेप्स सो फर्स्ट स्टेप इज दैट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप इज दैट काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हा वी हैव टू काउंट द इलेक्ट्रॉन बट दैट शुड बी वैलेंस सो काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट पर्टिक्युलर एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल वॉट इज द सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप इज दैट इफ आयन इज देयर एंड दैट आयन कैर इज निगेटिव चार्ज देन एड दैट मच इलेक्ट्रॉन एड द इलेक्ट्रॉन मतलब अगर वहां पर माइनस थ्री चार्ज है तो हमें क्या करना चाहिए एड करना चाहिए थ्री ठीक है अभी इसमें देखो आयन हुआ पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन अगर पॉजिटिव आयन है तो हमें क्या करना है सबस्ट्रैक्ट करना है कितना सब्सट्रैक्ट करना है तो उतना ही इलेक्ट्रॉन जैसे कि देखो अगर यहां पे प्लस टू चार्ज है तो हमें क्या करना है दो से सब्सट्रैक्ट करना है ठीक है इतना समझ में आ गया अभी देखो थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है वी हैव टू ड्रॉ द स्केलेटल व्हाट इज दैट स्केलेटल वी हैव टू ड्रॉ द स्केलेटल अगर हम कंसिडर करते हैं ये स्केलेटल इसमें हमें क्या करना है उसमें हमें लिखना है एटम्स एंड Their valence electrons, valence इलेक्ट्रॉन्स ठीक है मतलब सिंपली जैसे कि देखो अगर हम कंसिडर करते हैं एच टू ओ तो हमें ओ एच एच करके लिखना है और ऑक्सीजन के लास्ट शेल में मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे डॉट के फॉर्म में वो दिखाना है इतना ही करना ही है ये स्केलेटल में सो राइटिंग थर्ड स्टेप वॉट इज दट थर्ड स्टेप राइटिंग द स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ द एटम एंड देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ठीक है अभी देखो फोर्थ स्टेप

राइट हियर नाउ सीयर अगर हम फिफ्थ वाली स्टेप कंसिडर करते तो फिफ्थ वाली स्टेप कौन सी है देखो उसमें हमें क्या करना है वी हैव टू राइट और वी हैव टू ड्रॉ दी और वी कैन से दैट वी हैव टू यूज द इलेक्ट्रॉन्स फॉर द सिंगल बॉन्ड मतलब फर्स्टली हमें क्या करना है तो सिंगल बॉन्ड वहां पे शो करना है बाय दी बाय यूजिंग दी वन लोन पेयर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स Should be used for multiple bonding, used for the multiple bonds, or that will remain as a lone pair. ठीक है तो इतना सब हो गया ये स्टेप्स के बारे में अभी अगर हम देखते हैं वन बाय वन एग्जांपल लेंगे कि ये कैसे ड्रॉ किया जाएगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर मॉलिक्यूल सिंपली फर्स्टली हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं तो उसमें हम एग्जांपल लेंगे सिंपल वाला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ठीक है अगर हम ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं तो हाइड्रोजन के एटोमिक नंबर है वन इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएगा वन एक हाइड्रोजन के लिए जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही दूसरे हाइड्रोजन के लिए आएंगे मतलब हर एक हाइड्रोजन देखो फर्स्ट हमने क्या किया एडिशन ऑफ फर्स्ट स्टेप देखो हमें स्टेप फॉलो करना है तो क्या किया वन प्लस वन आ गया टू मतलब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टू आफ्टर दैट इफ चार्ज इज देयर इज देयर एनी चार्ज नो चार्ज मतलब यहाँ पे सेकेंड स्टेप हमें फॉलो नहीं करनी है अभी देखो थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है एटम्स हमें एक साथ लिखने हैं और उस पर उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो भी शो करने हैं मतलब देखो सेकेंड स्टेप हमें सेकेंड स्टेप तो स्किप हो गई थर्ड स्टेप फॉलो करना है वो क्या है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है ठीक है उसके बाद सेंट्रल पोजिशन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बोथ आर हाइड्रोजन मीन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लेस एंड मोर इलेक्ट्रॉन एंड लास्टली सिंगल बॉन्ड शुड बी ड्रॉन बाय द बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑलरेडी एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है मतलब इसमें अगर लास्ट स्टेप स्ट्रक्चर की आती है तो उसमें क्या हो जाएगा तो ये एक बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये हो गया उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ गया ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ वो रहेगा अनदर मॉलिक्यूल फर्स्ट एच टू मॉलिक्यूल तो समझ में आ, आया हो तो बहुत अच्छी बात है ठीक है अभी देखो हम कंसिडर करते हैं एन एच थ्री अमोनिया अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है तो एन एच थ्री एक नाइट्रोजन है दूसरा कौन है तो हाइड्रोजन है ठीक है सो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं तो देखो एन एच थ्री में अगर यहाँ पे कंसिडर करें तो नाइट्रोजन उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री किया तो लास्ट शेल में आ जाएंगे फाइव इलेक्ट्रॉन अगर हम हाइड्रोजन कंसिडर करते जिसका एटॉमिक नंबर वन है तो वन एस वन मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए वन सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फाइव प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स समझ में आ गया अभी देखो इसके आगे क्या करना है हमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है नहीं है मतलब नेक्स्ट वाली स्टेप फॉलो करनी है वो क्या है तो स्केलेटन ड्रॉ करना है अगर हम ड्रॉ करते हैं तो नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन ये रहा तीसरा हाइड्रोजन ठीक है अभी इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखने हैं कि वो पहला एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए मतलब नाइट्रोजन के कितने डॉट है पांच तो उसमें से वन टू थ्री फोर एंड फाइव आ गए हाइड्रोजन के लास्ट शर्ट में कितना है एक एक इलेक्ट्रॉन तो वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया सॉरी यहाँ पे लिख दिया मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये हम कैसे लिखेंगे वो देखो ऐसे नाइट्रोजन उसके पास है एक हाइड्रोजन ये दूसरा हाइड्रोजन ये तीसरा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पे ये जो लोन पेयर है वो यूज की है क्या नहीं यूज किया है मतलब यहाँ पे जो बोला गया है फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ द सिंगल बॉन्ड बाय शेयरिंग ए वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन शुड बी यूज एज यूज फॉर द मल्टीपल बॉन्डिंग और दे विल रिमेन एज ए लोन पेयर सो हियर दैट इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन एज ए लोन पेयर तो यहाँ पे हमारा सेकेंड एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया ठीक है अगर हम तीसरा वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो किसका रहेगा देखो अभी हम मुझे लगता है कि मैं, हमने एक आयन लेना चाहिए या फिर उसके पहले मैं एक और एक एग्जाम्पल लेती हूँ वो कौन सा रहेगा देखो एन एफ थ्री मॉलिक्यूल क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो हो गया पर ये फ्लोरीन वाला जो है ना उसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन रहते इसलिए नाइट्रोजन फर्स्ट स्टेप क्या है देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है सेवन तो वन एस टू टू एस टू 2P3. Fluorine, उसका एटोमिक नंबर है नाइट्रोजन उसके साइड में कितने, कितने, so, no 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 so, कितने फ्लोरिन है तो तीन फ्लोरिन है सो वन टू थ्री फ्लोरिन एक फ्लोरिन पे कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेवन है तो एक यहाँ पे लिख दिया दो तीन चार पाँच छ सात ठीक है इस फ्लोरिन के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन इनसाइड क्योंकि उसमें हमें सिंगल बॉन्ड जो दिखाना है इसलिए तो बाकी के ये सिक्स इलेक्ट्रॉन्स मैंने ड्रॉ कर ले यहाँ पर भी ये एक बाकी के सिक्स हमें ड्रॉ करना है अभी देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे कितने हैं पाँच तो इसलिए मैंने इसके साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म करना है इसलिए वन इलेक्ट्रॉन ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ये तीसरा इलेक्ट्रॉन ये चौथा एंड ये फिफ्थ वन इलेक्ट्रॉन सो so, ये स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे देखो ये जो है इसके लिए एक बॉन्ड आएगा मतलब नाइट्रोजन फ्लोरीन दूसरा देखो यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा मतलब यहाँ पे एक आ जाएगा अपना फ्लोरीन और यहाँ पे ये तीसरा वाला फ्लोरीन ठीक है अगर यहाँ पे नाइट्रोजन के तीन इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए ये रह गए इसलिए हमने ये दिखा दिया यहां पे वन इज यूज मीन्स थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन एज इट इज सो दैट ऑल्सो वी हैव टू शो सो आई एम शोइंगू थ्री लोन पेयर थ्री इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यहाँ पे भी ये थ्री इलेक्ट्रॉन लोन पेयर तो यहां पे ये कंप्लीट हो गया है एन एफ थ्री मॉलिक्यूल का हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर अभी हमें कंसिडर करना है आयन क्योंकि हमने ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स तो देख लिए अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आता है तो वो कैसे करना है उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और वो एग्जाम्पल कौन सा है तो देखो सी ओ थ्री टू माइनस कार्बोनेट ठीक है अभी देखो फर्स्ट स्टेप step, हम स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करेंगे पहला कौन सा इलेमेंट element? इलेमेंट्स कौन से कौन सा है देखो एक है कार्बन दूसरा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन तीन है पर फिलहाल तो तीन है मतलब एक ही एटम है ना एक ही इलेमेंट के एटम है इसलिए हम एक के लिए कंसिडर करते हैं यहाँ पे है सिक्स यहाँ पे कितने हैं तो एट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यशन क्या है वन एस टू टू एस टू टू पी टू और यहाँ पे वन एस टू टू एस टू टू पी फोर हो गया तो अभी हमें क्या करना है इसके लिए और इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखना है अभी फर्स्ट स्टेप में देखो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर कार्बन दैट इज द फोर प्लस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर ऑक्सीजन दैट इज दिस आर ऑफ द कार्बन ओके

एटीन अभी यहाँ से यहाँ पे ध्यान से देखो फर्स्ट स्टेप फॉलो कर ली बैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लिया अभी देखो ये कंप्लीट हो गया सेकेंड स्टेप यहाँ पे हमें फॉलो करनी है वो स्टेप क्या है देखो वी हैव टू ऑब्जर्व आई पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इज गिवन वॉट इज देयर निगेटिव चार्ज सो अगर निगेटिव चार्ज है तो क्या करना है हमें ऐड करना है इलेक्ट्रॉन्स को ऑलरेडी के कार्बन के चार है एक ऑक्सीजन के सिक्स है मतलब ऐसे तीन ऑक्सीजन के हो गए सिक्स थ्रीजा एटीन प्लस कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे दो इसलिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कंसीडर करना है तो 18 प्लस फोर ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रॉन्स आर देर ठीक है अभी देखो नेक्स्ट यहां पे क्या करना है कार्बन अब ये ऑक्सीजन और कार्बन अगर लेस इलेक्ट्रोन कौन है बोले तो कौन है वो कार्बन है क्योंकि देखो टोटल पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है और उसके बाद सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेमेंट कौन है तो वो है ऑक्सीजन इसलिए हमें क्या करना है कार्बन को लेना है सेंटर में ऑक्सीजन कितने हैं तीन सो वन टू थ्री ऑक्सीजन को भी हमने ड्रॉ कर लिया ठीक है अभी देखो यहाँ पे और एक बात बताना भूल गई कौन सी अगर निगेटिव चार्ज है अगर एक माइनस चार्ज है माइनस चार्ज है, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है मतलब एक डॉट वहां पे ड्रॉ करना है अगर यहाँ पे दो चार्ज है मतलब माइनस टू चार्जेस देर मीन्स वी हैव टू शो टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स टू एक्स्ट्रा डॉट्स ऑल्सो सो फॉर टू ऑक्सीजन्स, वी आर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ईच ऑक्सीजन द सिक्स इलेक्ट्रॉन ओके दिज आर ऑफ द माइनस टू चार्ज दैट वी हैव ड्रॉन हेयर व्ट अबाउट दिस एटीन नाउसी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर एंड यहाँ पे फाइव सिक्स हो गया अभी रह गया खाली कार्बन का कार्बन के कितने हैं लास्ट शेयर में चार इलेक्ट्रॉन अगर हम ड्रॉ करते हैं वन टू थ्री और फोर अभी देखो अगर ऐसे करने से कौन से भी आयन का मतलब कौन सा भी आइटम हो उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होना बहुत जरूरी है अभी देखो इसके लिए ऑक्सीजन के लिए टू फोर सिक्स सेवन एंड एट इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया वॉट अबाउट दिस ऑक्सीजन दिस ऑल्सो कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट ना वॉट अबाउट द कार्बन कार्बन का देखो एक दो तीन चार पाँच छ यहां पे एक लेते तो वो हो गया सात पर हमें कितने चाहिए आठ चाहिए मतलब यहां पे जो है ना वो एक का हो गया सिंगल बॉन्ड पर अगर ये दूसरा और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये अगर डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा तो वो उसका लास्ट मतलब ऑक्टेट जो है वो क्या हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा मतलब अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो स्ट्रक्चर कैसे आ जाएगा देखो यहां पे कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन जो कि सिक्स थे सिक्स में से दो इलेक्ट्रॉन यूज किए जाएंगे फॉर द डबल बॉन्ड और यहाँ पे देखो इसका क्या हो जाएगा माइनस टू अभी देखो कार्बन का ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का पहले वाला ऑक्सीजन देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इसके लास्ट शेल में मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ये वाला ऑक्सीजन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये दूसरे वाले ऑक्सीजन का भी एट हो गया अभी तीसरा वाला ऑक्सीजन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हो गए मतलब थर्ड वाले ऑक्सीजन के भी एट इलेक्ट्रॉन्स हो गए मतलब उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया अभी रह गया हमारा कार्बन कार्बन का देखो एक दो तीन चार पांच छवन एंड यहां पे हो गए एट मतलब कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है अभी इसका ही स्ट्रक्चर हमें बॉन्ड फॉर्म करके दिखाना है मतलब बॉन्ड ड्रॉ करके तो वो कैसे आएगा देखो कार्बन यहाँ पे कितना है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या करना है हमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखाना है अभी ये तो हो गया बॉन्ड का फॉर्म पर अभी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो भी तो हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे तो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी रह गए इन्होंने बॉन्ड फॉर्म किया इन्होंने और ये चारों ने मतलब जो कुछ भी रहा है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर बाकी है यहाँ पे सिक्स इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भी सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऐसे करके यहाँ पे माइनस टू चार्ज लिख दिया तो ये हो गया आयन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर होप सो आपको यहाँ पे सबको समझ में आ गया होगा व्हाट इज मीन बाय दैट लेविस डॉट स्ट्रक्चर हाउ टू ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑल्सो होप अगर ये आपको समझ में आया हो तो इसको कंटिन्यू देखना शेयर करना मत भूलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू